मूर्ख बंदर। एक जंगल में एक चोर बंदर रहता था। वो अपना खाना खुद नहीं ढूंढता था, बल्कि किसी का भी खाना चुरा कर खा जाता था। एक बार की बात है, बंदर ने हाथी के सारे केले चुरा कर खा लिए। तब हाथी को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सोचता है, मुझे पूरा यकीन है कि मेरे केले उस चोर बंदर ने ही चुराए हैं। अब तो मैं सीधा शेर राजा के पास जाऊंगा और सब कुछ बता दूंगा। अब वही इस चोर बंदर का कुछ कर सकते हैं। ऐसा सोचकर हाथी सीधा शेर राजा के पास बंदर की शिकायत लेके जाता है। शेर तुरंत ही एक सभा बुलाता है, जहां पर सभी जंगल के जानवर उपस्थित रहते हैं और खास करके बंदर को उस सभा में बुलाया जाता है। तब शेर राजा कहता है, बंदर, मैं ये क्या सुन रहा हूँ कि तुमने हाथी के केले चुराए? नहीं 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 राजा जी, हाथी के केले मैंने नहीं चुराए। अरे चुप करो बंदर, अब तो तुम झूठ भी बोलने लगे हो। कब से तुम्हारी चोरी की शिकायतें आ रही है? कभी खरगोश, कभी हिरन, तो कभी हाथी। तुमने किसी को भी नहीं छोड़ा। मैं तुम्हें आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूँ बंदर, अगर आगे से तुम्हारे बारे में कोई शिकायत आई तो मैं तुम्हें जंगल से बाहर कर दूंगा, समझे? मुझे माफ कर दो शेर राजा, मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा। शेर बंदर को एक मौका देता है। सभी जानवर सभा खत्म होते ही अपने अपने घर चले जाते हैं। तब बंदर सोचता है, अब से मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, मेहनत करके अपना खाना खुद ढूंढूंगा, मुझे ये जंगल छोड़कर नहीं जाना। ऐसा सोचकर बंदर चुपचाप अपने पेड़ पर बैठा रहता है कि तभी वहाँ हिरन आती है और कहती है, क्यों बंदर, मिली ना शेर राजा से डांट, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। और हाँ, अब बारिश का मौसम आने वाला है, तो उसके लिए पहले से ही खाना ढूंढ कर रख दो, नहीं तो फिर से खाने के लिए चोरी करते बैठोगे। हिरन ऐसा कहकर वहाँ से चली जाती है। अब बंदर खुद को साबित करने के लिए खुद का खाना ढूंढने निकल पड़ता है। वो जंगल के तालाब के पास आता है। तालाब के पास एक आम का पेड़ था, जहाँ बहुत ही रसीले आम लगे हुए थे। उन्हें देखकर बंदर कहता है, अरे वाह, रसीले आम, लगता है इन्हें भी मेरा ही इंतजार था। अब तो मैं सारे आम तोड़ कर ले जाऊंगा। आम तो क्या, मैं पूरी की पूरी डाली ही तोड़ कर ले जाऊंगा। बाद में उसी डाली से तोड़ तोड़ के आम खाऊंगा। इससे मेरा हमेशा के लिए खाने का इंतजाम भी हो जाएगा। ऐसा सोचकर बंदर एक कुल्हाड़ी से पेड़ पर चढ़ जाता है। वो तालाब की तरफ वाली डाली पर बैठ जाता है और डाली को कुल्हाड़ी से तोड़ने लगता है। तभी वहाँ हाथी आता है और कहता है, अरे बंदर, ये क्या कर रहे हो? रुको, ये डाली आखिर क्यों काट रहा है तू? अरे हाथी, तुमने तो मेरी शिकायत शेर राजा से की थी, अब मैं अपने भोजन का इंतजाम खुद कर रहा हूँ, अब वो भी नहीं करने दोगे क्या मुझे? अरे बंदर, तुम ये डाली कैसे काट रहे हो? नीचे गिर जाओगे तुम उस डाली के साथ। सुनो मेरी बात और डाली काटना तुरंत बंद कर दो। अरे वाह वाह, फिर तो तुम मेरी फिर से शिकायत करोगे कि मैं कोई मेहनत नहीं करता। जाओ जाओ, तुम चले जाओ यहाँ से और मुझे मेरा काम करने दो। वो मूर्ख बंदर हाथी की एक भी बात नहीं सुनता और डाली को कुल्हाड़ी से तोड़ता ही रहता है। तब तक वहाँ बाकी के जानवर भी आ जाते हैं और उस मूर्ख बंदर का नजारा देखते रहते हैं। कुछ ही देर बाद वो डाली टूट जाती है और वो बंदर डाली के साथ तालाब के पानी में गिर जाता है, जिससे सारे जानवर उस मूर्ख बंदर पर हंसने लगते हैं। तब हाथी हंसते हुए कहता है, देखो बंदर, इसलिए मैं कह रहा था, पर तुम तो कोई मेरी बात सुन ही नहीं रहे थे। देखा, गए ना तुम्हारे सारे आम पानी में और चोट लगी अलग। हाथी बंदर को अपनी सूंड से पानी से बाहर निकलता है। सारे जानवर बंदर पर हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। तब बंदर सोचता है, अरे धत तेरी की, काश मैंने हाथी की बात सुनी होती। लेकिन चलो, अब दूसरा कोई रास्ता निकालता हूँ खाना ढूंढने का। ऐसा सोचकर बंदर दूसरी तरफ खाना ढूंढने जाता है। इसीलिए कहते हैं कि मूर्ख का घर हमेशा खाली होता है। जादुई तालाब, शेर और हाथी। एक
एक घना जंगल था। उस जंगल में सभी प्रकार के प्राणी रहा करते थे। उस जंगल की एक खास बात ये थी कि वहाँ एक जादुई तालाब था, जहाँ पर हर जानवर पानी पीने जाया करते थे। एक बार की बात है, जंगल के ही हाथी और शेर एक साथ उस तालाब के पास आते हैं। हाथी तालाब का पानी पीने आगे जा रहा था कि शेर उसे टोकते हुए कहता है, अरे ओ मोटे हाथी, कहाँ जा रहे हो आगे आगे? तालाब पर पानी तो पहले मैं पीऊंगा। लेकिन मैं पहले यहाँ आया हूँ, इसलिए मैं ही पहले पानी पीऊंगा। तुम मुझे कहने वाले कौन होते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इस जंगल का राजा हूँ, तो पहले पानी पीने का अधिकार भी मेरा ही होगा। अरे तुम्हें किसने राजा बनाया, जो प्रजा का हित देखने से पहले खुद का ही भला कर रहा है? इस तरह से उन दोनों में बहुत बड़ी बहस चालू होती है। वो लड़ाई करने लगते हैं। उनकी इस लड़ाई से परेशान होकर जादुई तालाब में रहने वाला एक कछुआ बोलने लगता है, अरे ये तुम दोनों ने क्या लगा रखा है? तुम जैसे बड़े और समझदार जानवरों से मुझे ये उम्मीद नहीं थी, बच्चों की तरह झगड़ा कर रहे हो। अरे तो पहले इस हाथी को समझाओ, यही मेरी बात नहीं मान रहा है। अरे तुम दोनों एक छोटी सी बात पर लड़ने लग गए। सुनो हाथी, तुम अपनी राजा की बात मानते जाओ, और शेर तुम्हें भी अपनी प्रजा का ख्याल रखना चाहिए, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। वो कछुआ इस तरह से दोनों को समझाने की कोशिश करता है, पर वो दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े रहते हैं। इससे तंग आकर वो कछुआ जादुई तालाब से कहता है, अरे जादुई तालाब, अब तुम ही इन दोनों को समझाओ, ये दोनों तो मेरी बात ऐसे नहीं मानने वाले। कछुए की बात सुनकर जादुई तालाब से एक रोशनी निकलती है। वो जादुई रोशनी शेर और हाथी को एक साथ जोड़ देती है। वो दोनों एक साथ जुड़ जाते हैं। अलग होने की कोशिश करते हैं, पर कुछ नहीं होता। उन दोनों की ये हालत देखकर कछुआ कहता है, बहुत अच्छा हुआ जो तुम दोनों को जादुई तालाब ने जोड़ दिया। अब करो झगड़ा जितना चाहे उतना। अरे ओ कछुए, जादुई तालाब से कहकर हमें अलग कर दो। हाँ ठीक है, मैं तुम दोनों को अलग कर दूंगा, पर एक शर्त है, तुम पहले आपस में दोस्ती कर लो। मैं और इस शेर से दोस्ती? ये तो कभी नहीं होगा। अरे तो मुझे भी कौन सी तुम्हारे साथ दोस्ती रखनी है? अच्छा है, अब तुम दोनों हमेशा के लिए ऐसे ही रहो, मैं तो चला। कछुआ जादुई तालाब के अंदर चला जाता है। वो दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं। उन दोनों को ऐसे एक साथ जुड़े देखकर जंगल के सारे जानवर उन पर हंसने लगते हैं। ना हाथी पेड़ के पत्ते खा पा रहा था, और ना ही शेर किसी जानवर का शिकार कर पा रहा था। वो दोनों जंगल में बिना खाए पिए चलते जा रहे थे। चलते चलते वो थक गए और एक जगह पर थोड़ा आराम करने के लिए रुक जाते हैं कि तभी वहाँ एक हिरन आती है और कहती है, बहुत अजीब दिख रहे हो आप दोनों तो, पर आप दोनों के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए था। अरे प्यारी हिरन, क्या कह रही हो ये? क्या तुझे मरने का डर नहीं लगता? हाँ हाँ, पकड़ के तो दिखाओ पहले, तुम दोनों तो थे ही अकड़ू पहले से। अच्छा हुआ जो जादुई तालाब ने तुम्हें सबक सिखाया। अरे अब चुप भी कर, नहीं तो मैं मेरी सूंड से तुझे मार डालूंगा। बड़े आए मुझे मारने वाले। हिरन की बात सुनकर वो दोनों को थोड़ी अपनी अपनी गलती नजर आने लगती है। अकड़ की वजह से और बात किसी की न सुनने की वजह से आज उनकी ये हालत हुई थी। ये उन दोनों को समझ आता है और वो दोनों फिर से जादुई तालाब के पास जाते हैं। हे जादुई तालाब, हम दोनों को माफ कर दो। हाँ जादुई तालाब, हमें अपनी गलती का एहसास हो चुका है, प्लीज हमें माफ कर दो। ये बात सुनकर जादुई तालाब से फिर से रोशनी निकलती है और उस जादुई रोशनी से वो दोनों अलग हो जाते हैं। तब वहाँ वो कछुआ आता है और कहता है, आज के बाद कभी भी ऐसा मत करना, नहीं तो मैं फिर से जादुई तालाब से कहकर तुम दोनों को एक साथ जोड़ दूंगा। अरे नहीं नहीं, आज से तो हम दोनों अच्छे दोस्त बन गए, क्यों हाथी भाई? हाँ हाँ कछुए भाई, मैंने भी शेर से अच्छी दोस्ती कर ली, अब हम दोनों साथ रहेंगे और कभी अकड़ नहीं दिखाएंगे।
उस दिन के बाद से वो दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।